सब्सक्राइब कीजिए कुमार टेक को और प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ हर वक्त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है कुमार टेक। दोस्तों आज मैं एक रिक्वेस्ट वीडियो बनाने वाला हूं और वो बहुत दिनों से वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो मैं आज उसको कंप्लीट करने वाला हूं। चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। और तो ये वाला रिक्वेस्टेड वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, मेरा आधा बॉडी है इंसान का और आधा है नाक का। तो ये वीडियो को पूरी तरीके से जानने के लिए मैं बताऊंगा आपको इसका ट्यूटोरियल इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और शुरू से लेकर आखिर तक इसे देखते रहिए ताकि कोई भी पार्ट आपका मिस ना हो। चलिए पहले सीन को इस तरह से शूट कर लीजिए दोस्तों, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। ये पहला सीन है, दूसरा सीन में हम ग्रीन स्क्रीन यूज करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरे पास ये है ग्रीन स्क्रीन, आप जैसा कि देख रहे हैं। तो मैं इसको अपने पूरे आधा बॉडी को कवर करने वाला हूं। इससे शर्ट को मुझे ऊपर कर देना है और इसके थ्रू मुझे ये बेल्ट जो है लगा लेना है और शर्ट को ऐसे नीचे कर देना है। करने के बाद जो भी स्टेप वीडियो में मैंने दिखाया ऐसे सूट और जो भी डायलॉग आपको बोलना है बोल देना है। ध्यान में रखिए आपका पीछे का जो बैकग्राउंड कलर है वो इस कपड़े के कलर से मैच होता हो, तभी जाके ये ठीक से काम करेगा। तो चलिए दोस्तों हम अभी ट्यूटोरियल शुरू कर। तो सबसे पहले वीडियो आपको जैसा है शूट कर लेना है जैसा मैंने बताया, और उसके बाद चले चलते हैं काइन मास्टर में। सबसे पहले काइन मास्टर में जाकर दोस्तों आपको यहाँ पर एक एम्प्टी प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, मीडिया ब्राउजर पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको बैकग्राउंड चूज करना है और ये वाइट कलर का बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। इस पे टैप करना है और इसका कलर जो है ब्लू कर देना है जी दोस्तों, ब्लू कर देना है। ठीक है, ब्लू इसलिए करना है क्योंकि मैंने जो टेम्पलेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसका भी कलर ब्लू है गए और ये उसके साथ मैच करेगा, इसलिए मैंने इसको ब्लू कर दिया है। ठीक है, तो इसके बाद जो वीडियो आपने शूट किया था उसको यहाँ पर लाएंगे हम, लेयर में चलेंगे और मीडिया ब्राउजर में जाना है और यहाँ पर जो है हमारा वीडियो आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसको सबसे पहले क्रॉप कर देना है हमें और इसको जो है पूरा स्ट्रेच करना है वीडियो के एंड तक। ठीक है, बाकी का हिस्सा जो है रेस्ट ऊपर का ट्रिम कर देना है। और यहाँ पर जहाँ पे मैं एंट्री लेता हूँ ओके करना है और उसके बाद इसको जो है क्रोमा की पे जाना है, ओके करना है, एडजस्ट किया। दोस्तों ये हो जाने के बाद आपका वीडियो कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो इसके बाद बाकी का हिस्सा जो मैंने यहाँ तक है वो कट कर लेना है। ठीक है, इसको सिंपली सेव कर देना है, सेव वीडियो टू गैलरी मैंने ये कर दिया। और ये दोस्तों हो चुका है, इसको ओके करना है और बैक करके इसको जो है हमें डिलीट कर देना है। ठीक है, फिर से हमें एक एम्प्टी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है और सबसे पहले तो हम मीडिया पे क्लिक करेंगे और हमारा जो वीडियो है वो पहले सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, जो कि ये वाला रहा, ये वाला। ठीक है, यहाँ से कैरेक्टर एंटर होता है और यहाँ पर जो ये पोजीशन में वो जाता है यहाँ पर, हमें यहाँ पर कट कर देना है। ठीक है, और ये कट हो गया
और उसके बाद हमें दोस्तों क्या करना है, फर्स्ट में जाना है एक एम्प्टी बैकग्राउंड के लिए और इसका एक स्नैपशॉट ले लेना है। ठीक है, तो मैंने स्नैपशॉट ले लिया एक, और इसको जो है दोस्तों हमें मीडिया पे सिलेक्ट करके कैप्चर में जाना है और इसको सिलेक्ट कर देना है और उस पर क्लिक करके इस आइकन पे क्लिक करना है क्रॉपिंग पे, और स्टार्ट पोजीशन पे क्लिक करके डबल टैप करना है और इक्वल आइकन पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होता है, पिक्चर जो है हिलता नहीं है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर हमें जो है सांप का पोजीशन कन्वर्ट होके आएगा। ठीक है, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने एक टेम्पलेट डाला है आधा नाग वाला हिस्सा, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ लेयर पे क्लिक करते हैं और मीडिया पे जाना है। मीडिया में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक्सपोर्ट फाइल हमारा जो है वो हमें सिलेक्ट करना है, दोनों के दोनों, पहला वाला ये और ये है टेम्पलेट, फ्री टेम्पलेट जो कि लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दूसरा फिर से हमें क्लिक करना है मीडिया पे, और दूसरा वाला है हमारा ये वाला पॉइंट जो कि वो ग्रीन स्क्रीन लगा के मैंने इसको शूट किया था, इसी तरह से इसको मैंने इस तरह से क्रॉप करके रखा है कि इसका स्टार्टिंग पोजीशन और इसका जो एंडिंग पोजीशन है दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, ये आउट प्लेस में मैंने शूट किया था ऐसा कुछ, तो इसका ये एंड वाला पॉइंट हमें ग्रीन स्क्रीन में भी स्टार्टिंग में लगाना है, यानी कि जब ग्रीन स्क्रीन में ये शूट होता है तो इसी तरह से होना चाहिए। तो उसके बाद ध्यान में रखिए दोस्तों हमें क्या करना है, अभी इन पे जो है क्रोमा की पे क्लिक करना है और इसको इनेबल करना है, और दूसरा स्नैक वाले पे भी क्लिक करके क्रोमा की पे क्लिक करके इसको भी इनेबल करना है, और इन दोनों को जो है एडजस्ट करना है थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एडजस्ट सांप वाला, और ये है इंसान वाला, इस पर भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है। तो ये हो गया, अब क्या करना है दोस्तों, इन दोनों को सही तालमेल में बिठाना है। ठीक है, सांप वाले हिस्से को एक जगह पर रख दीजिए और इंसान वाले हिस्से को जो है हमें अभी इसके साथ अटैच करके मूवमेंट करवाना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता है मैंने कई सारे ट्यूटोरियल में दिखाया है कि ये जो सांप है इसके अकॉर्डिंग हमें की फ्रेमिंग करते जाना है। ठीक है, तो ये बाकी का हिस्सा मैं कट कर देता हूँ। तो ये वाला हिस्सा आपको क्या करना है, एक के बाद एक आपको अटैच करते जाना है। पहले सांप वाले हिस्से को थोड़ा सा बड़ा इतना कर दीजिए, और इस वाले हिस्से पे अभी आइए, और यहाँ पर इस वाले मतलब अगर इंसान वाला जो आपका जो शूट किया हुआ वो वाले हिस्से पे आइए, और यहाँ पर आपको इसको रखना है और की फ्रेमिंग में जाना है और की फ्रेमिंग करते जाना है। इसको थोड़ा आगे लीजिए, फिर क्लिक कीजिए, फिर थोड़ा आगे लीजिए क्लिक कीजिए, फिर थोड़ा आगे लीजिए क्लिक कीजिए, और इसको साथ में मतलब बिठाते जाइए। तो जब ये खत्म हो जाए दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट में जाना है, यहाँ पर पहले वाले लेयर में क्लिक करना है, और यहाँ पर लाके इस पॉइंट पे फर्स्ट लेयर पे क्लिक कीजिए और इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देन इसके बाद फिर यहाँ पर सेकेंड लेयर में जाइए, यहाँ पर हमें और एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, तो मैंने स्क्रीनशॉट दोनों का ले लिया, अभी हमें क्या करना है, एक दूसरा टूल यूज़ करना है जिसका नाम है, यहाँ पर आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी मिल जाएगा, जिसका नाम है पिक्से प्रो। ठीक है, तो पहले पिक्से प्रो ओपन कीजिए और गेट ए पिक्चर कीजिए और इंपोर्ट पे जाइए। इंपोर्ट पे जाने के बाद आपको दोनों के दोनों फ़ोटो मिल जाएंगे, एक में क्लिक कीजिए और नॉर्मल पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, एडजस्ट में क्लिक करना है, फिर स्क्रॉल करके नीचे जाना है, पेंट मास्क सिलेक्शन पे सिलेक्ट करना है, और इसको पूरा
सिर्फ इंसान को छोड़ के बाकी का पूरा हिस्सा जो है ग्रीन कलर कर देना है। तो ये कुछ इस तरह का हो गया है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको मेक ट्रांसपेरेंट कर देना है। देन आपको क्या करना है दोस्तों, टिक पे क्लिक करना है और फिर एडजस्ट में फिर से जाना है और स्क्रॉल करके ऐड बैकग्राउंड कलर पे जाना है और इसको ग्रीन या फिर ब्लू कलर आप कर सकते हैं। तो मैंने ये ग्रीन कलर ही रखा है और बस इतना ही करने के बाद एक्सपोर्ट में जाना है और सेव पिक्चर टू एल्बम कर देना है, ठीक है। फिर कैप्चर पे क्लिक करना है तो इमेज आपका जो है अभी सेव हो गया है। सेम चीज़ दूसरे के साथ भी करना है, दूसरे फोटो में। तो ये हो चुका है, मैंने तो जैसे जैसे कर दिया, आपको ध्यान में रखते करना है। देन कैप्चर पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से हमें एग्जिट कर देना है। तीसरा एक ऐप आपको और भी चाहिए जो कि आपको मतलब कन्वर्टेड करके दिखाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वो भी मैंने करके रखा है, उसका नाम है फेस मॉर्फिंग, ठीक है। ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर हमें ये ओपन करने के बाद इस पर क्लिक करना है। पहले ये वाला पिक्चर हमें क्लिक करना है और आपके सामने ऐसा कुछ आ जाएगा, ये वाला चीज़, ठीक है। आपको इसे लंबा ऐसे करना है, यहाँ पर लाना है और प्लेस कर देना है इसके इर्द गिर्द और उसके बाद डन करना है। फिर दूसरा इमेज हमें सिलेक्ट करना है, ये वाला जो कि सांप वाला है, और सेम प्रोसीड्योर, इसको पहले लंबा कर दीजिए और यहाँ पर लाके इसे प्लेस कर दीजिए और डन कर दीजिए। देन देखिए दोस्तों, जब मैं प्ले करता हूँ ये कुछ इस तरह से आपको ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन ये कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए ऐसे चल रहा है, लेकिन जब मैं उसको प्लेस करूँगा वहाँ पर तो ये कुछ डिफरेंट टाइप का दिखेगा। तो क्योंकि ये पोर्ट्रेट स्क्रीन में रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए ऐसे ही दिख रहा है। लैंडस्केप में इसका जो साइज़ है, मतलब उसका जो टेक्सचर है, आपको जो सा दिखने को मिलेगा वो बहुत ही बढ़िया होगा। तो इसके बाद हमें इसे यहाँ पर से सेव करना है, सेव MP4, और इसका ड्यूरेशन हमें इतना ही रखना है 4, और जो फ्रेम पर सेकंड है उसको 30 में रखिए जी दोस्तों, क्योंकि वीडियो का फ्रेम रेट भी 30 है। तो 30 पे क्लिक कीजिए और इसको ओके कर दीजिए। तो दोस्तों हमारा वीडियो जो है हो चुका है। चलिए चलते हैं फिर से हम काइन मास्टर में। तो यहाँ पर आने के बाद हमें सिर्फ ओके करना है और मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद हमें दोस्तों जाना है और ये ब्लैक वाला कैप्चर का सीन जो है सेट करना है, इसको बहुत छोटा कर देना है, ठीक है। और छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा रखिए, क्योंकि वीडियो के मतलब वो जो वीडियो बना था उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जब ये वीडियो चलता है ये जूम इन जूम आउट होता है, ये प्रॉब्लम बहुत बार आपको दिखाई दिया होगा, तो इसका सॉल्यूशन मैंने बहुत बार भी बताया है, अभी भी फिर से बता रहा हूँ। सिंपली वो फ़ोटो को क्लिक कीजिए जो आपको मतलब जूम इन जूम आउट से हटाना है, बंद करना है उसका, तो उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रॉपिंग का ऑप्शन है, क्लिक करके स्टार्ट पोजिशन पर क्लिक करके डबल टैप कीजिए स्क्रीन में और फिर इक्वल आइकन में दबा दीजिए, फिर इसको ओके कर दीजिए। देन जब ये बंद हो जाए यहाँ पर क्लिक करना है और इसके फर्स्ट में जाना है, फिर लेयर में क्लिक करना है, मीडिया में जाना है, जो MP4 हमारा सेव हुआ था उसे हमें यहाँ पर लाना है। जी हाँ दोस्तों, उसको हमें यहाँ पर ले आना है। तो वो मेरे ख्याल से इस पर है, तो ये वाला रहा, और इसी के अकॉर्डिंग हमें जो है ऊपर वाले वीडियो को भी कट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करना है और क्रोमा की पे जाना है और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों, ये पूरा जो बैकग्राउंड है उसका हट गया है और इसका ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली इसको सिलेक्ट कीजिए और प्लेस कीजिए उसके अकॉर्डिंग जहाँ पर ये कैरेक्टर जो है खड़ा था, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ से हमें थोड़ा सा और पीछे ले जाना होगा,
इसको यहाँ पर रखना है। तो ये जब प्ले होगा, चलिए मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, जब हम इसे प्ले करते हैं शुरू से, तो देखिए दोस्तों, ये अब लग रहा है स्नेक मैन की तरह। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद आपको करना ये है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, तो इसके लिए सिंपली वीडियो को सिलेक्ट कीजिए और बिजनेट पे क्लिक करते जाइए। फ़ोटो को, इस फ़ोटो को भी सिलेक्ट कीजिए और बिजनेट कर दीजिए, और इसको भी सिलेक्ट कीजिए और बिजनेट कर दीजिए। और उसके बाद कोई अच्छा सा म्यूजिक आप चूज़ करके यहाँ पर लगा सकते हैं म्यूजिक के सेट्स में। और ये बन जाने के बाद आप सिंपली इसे यहाँ पर क्लिक कीजिए और आप यहाँ से इसे सेव कर सकते हैं अपने मनपसंद के क्वालिटी के साथ। ठीक है, मैं ये क्लिक करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।